किसानों के साथ भूपेश सरकार, अन्नदाताओं की मांग पर भी करार, फिर क्यों आंदोलन पर अड़े हैं किसान? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भूपेश सरकार ने किसानों की कुछ मांगों पर सहमति जता दी है। नवा रायपुर राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को 7 मार्च से पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नवा रायपुर में ही 59 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। किसान और मंत्रिमंडल उप समिति के कई दौर की बैठकों के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हो सका। हालांकि किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने किसान आंदोलन को बीजेपी की देन बताया। उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में किसानों से जो वादा किया है वो नहीं निभाया। किसान आंदोलन जो है वो मूलतः भाजपा की देन है। भाजपा ही ने ही लोगों को वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। अब उन लोगों ने हमसे पहले बात किया था तो अधिकांश मांगे उनकी हम लोगों ने मांग लिया था और उस पर कार्रवाई भी कर दी है। वार्षिकी देने का है, जो वार्षिकी राशि देने का है वो बीच में नहीं मिल रहा था, उसको हम लोगों ने पूरा दिलवा दिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों की जो मांग जायज थी उनको उन्होंने पूरा करने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। बीजेपी किसानों की सभी मांग को जायज बताते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग कर रही है। मुझे लगता है कि उनके सारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और प्राथमिकता के साथ में ये तय होनी चाहिए कि अब धरने से उनको वापस जाना चाहिए, और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, किसान ने भी तय किया कि हम वापस नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बाकी कार्यों को देख करके ये पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए, और इस प्राथमिकता के साथ में किसान से बातचीत करके सारे मामले सुलझाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान लिया है, लेकिन किसान अभी अपनी सभी मांगे पूरी करवाने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि किसानों के पक्ष में फैसले के बाद भी ये आंदोलन कहां तक जायज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज, और आज हमारा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का किसानों पर सियासी शो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार जहां किसानों के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मान भी ली हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इधर बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो क्या किसान वाकई परेशान है? क्या सरकार उनके लिए कुछ बेहतर सोच रही है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी ताकत है? बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ नितिन भंसाली जी, कांग्रेस नेता, प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी नेता हैं और मजबूती से अपनी बात रखते आए हैं। तेजराम विद्रोही जी आज बंसल न्यूज के इस मंच पर अपनी बात रखेंगे। आप तीनों का स्वागत। और सबसे पहले मैं नितिन भंसाली जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या बातचीत हुई है किसानों से? किसान भी हैं, उनसे भी मैं जानूंगा, लेकिन पहले एक पॉलिटिकल कमेंट ले लेता हूं। क्या बातचीत हुई है सरकार से? क्या भरोसा दिया है सरकार ने? क्योंकि किसान अब भगवान भरोसे नहीं है, वो सरकार भरोसे है। देखिए, लगातार ये आंदोलन जब से शुरू हुआ, और हमारी सरकार ही किसानों की सरकार, आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से निरंतर किसान भाइयों के साथ हमारा संवाद हो रहा है। ये मेरे साथ जो अभी किसान नेता जो बैठे हैं विद्रोही जी, ये भी बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनसे बात की, और लगातार हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य जो तीन मंत्रियों की जो कमेटी बनी है वो लगातार इनसे संपर्क में थी। और आप देखिए, 8 में से 6 मांगे पूरी की जा चुकी हैं। 7 मार्च से पट्टे वितरित किए जाएंगे। वहां पर जो जमीनों की खरीदी की बिक्री पर रोक लगी थी 11 गांवों में, वो हटाई गई है। स्थानीय लोगों को निविदाओं में जो वहां पे प्रभावित लोग हैं एनआरडीए की, उस जमीन अधिग्रहण में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आदि सारे निर्णय जो हुए किसानों के पक्ष में हुए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लीगल ओपिनियन भी लिया जाना है, तो उन चीजों में भी लीगल ओपिनियन लेने के बाद यदि कोई अच्छा रास्ता निकलेगा तो बिल्कुल निकालेंगे। जो आप बात कर रहे हैं वही बात, मैं वही बात बंसल चैनल की सरकार के प्रवक्ता आप लोग अब रविन्द्र चौबे जी ने कही थी। मैं तेजराम विद्रोही जी से पूछना चाह रहा हूँ। विद्रोही साहब, आपके नाम में ही विद्रोह है, तो जहां अगर गलत होता है तो स्वाभाविक सी बात है वहां विद्रोह होना ही चाहिए, लेकिन ऐसी क्या मांगे बाकी रह गई हैं
ऐसा क्या सरकार से आपका जो है वो अनबन हो रही है, या कुछ पटरी नहीं बैठ रही है, या फिर मुद्दे समझ नहीं आ रहे हैं? सरकार से बातचीत होने के बाद आप दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली जाकर किसान नेता राकेश टिकैत से भी आप बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी समस्या, मेन समस्या क्या है, वो जरा खुलकर बता दीजिए। देखिए अभी हमारी समस्या ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सवाल है सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास के। तो क्या आप विश्वास नहीं करते सरकार पर? को लेकर के है कि अभी तक जिन छह मांगों को पूरा करने की छह मांगों को मानने की जो बात हो रही है उसमें अभी तक एकदम स्पष्टता नहीं है। इसमें यह भी बात कही जा रही है कि 2012 में जो उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ा आकाशवाणी हो गई है। वो बनाई जा रही है। चलिए क्लियर हो गई, सही है, हो गया वो टेक्निकल फॉल्ट था, ठीक हो गया, अब आप बोल सकते हैं। हेलो, हाँ बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन छह मांगों के ऊपर जो बातें हुई है उसमें सरकार ने तो कहा है कि हमें छह मांगों को हम पूरा करेंगे, मान लेंगे, लेकिन उनकी जो नियम और शर्तें जो जोड़ी जा रही है वो बातें किसानों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। इसे चौपाई की तरह घुमाइए नहीं ना, है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी समस्या क्या है वो रखिए। क्या आपको मुआवजा ठीक नहीं मिला? क्या उसका जो तरीका था वो ठीक नहीं था? नहीं, हमारी टेक्निकल फॉल्ट क्या है और जो लीगल ओपिनियन क्या है उस पर बात करिए ना साहब। बिल्कुल, ये मंच आप ही के लिए है, जरा खुलकर बताइए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, मैं समझ पा रहा हूँ, जनता समझ पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है जी विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो किसानों को जो चार गुना मुआवजा जो मिलनी चाहिए थी वो चार गुना मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। 2013-14 में तत्कालीन भाजपा की, क्या ये आपकी पहली मांग में था? सरकार ने इन 27 गांवों को नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी कर दिया है। तो हमारा यह है कि जब नगरीय निकाय की अधिसूचित है तो उस अधिसूचना को हटा करके वहाँ पर जो पंचायत स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव अभी भी हो रही है, तो त्रिस्तरीय पंचायत जब चुनाव हो रही है तो उस अधिसूचना को हटाया जाना चाहिए और चार गुना मुआवजा किसानों को देना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या किसानों को कोई बरगला तो नहीं रहा है, लालची तो नहीं बना रहा है कि देखिए चार गुना मुआवजा ले लीजिए, नया रायपुर है, आप समझिए यहाँ सब कुछ यही आएगा, ये बरगलाने की कोशिश तो नहीं हुई आपको? किसी ने धमकाने की, डराने की या उकसाने की कोशिश की है कि देखिए आप अगर ये आंदोलन खत्म कर देंगे तो आपको मिलेगा? नहीं, किसी भी प्रकार से किसानों को बरगलाया नहीं जा रहा है, ये नियम कायदे की बात हो रही है कि उस समय की। नितिन भंसाली जी, रोक रहा हूँ आपको, रुक जाइएगा तेजराम जी। नितिन भंसाली साहब, क्या चार गुना मुआवजे की बात थी? क्या वो कानून के अंतर्गत है या फिर इसका लीगल ओपिनियन चाहिए कि उस अधिसूचना को खत्म करके चार गुना मुआवजा किसानों को दे? क्योंकि आज भी वो तेजराम जी, रुकिए ना, आपके पास अगर मेरी आवाज आ रही है, आदरणीय जी रुक जाइए, आप अपनी बात रख चुके हैं, मैं फिर जाऊंगा बीजेपी नेता के पास भी। भंसाली साहब, कुछ चीजें हैं पंड्या जी, कुछ चीजें हैं जिसमें लीगल ओपिनियन लिया जाना बहुत आवश्यक है। अभी ये कह रहे थे कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ऐसा कहा था कि हम ये करेंगे, ये देन ही उनकी है। उसी समय यदि पुनर्वास नीति का ठीक से पालन किया गया होता तो आज उनको धरने पर नहीं बैठना पड़ता। अब ये बार बार जो ये दोहरा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, ये वही चीज को कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, आज जो फैसले हुए हैं या जो आदेश जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, विद्रोही जी ये सुन लो, 3 महीने के भीतर उन आदेशों का पालन, चार गुना मुआवजा मिलेगा क्या? आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी हुए हैं, इसलिए आप चार गुना मुआवजा की मांग उसमें है क्या? ये मुआवजे वाली बात अभी शायद अटकी हुई है इसमें। बिल्कुल, चलिए मैं इसको यही रोक रहा हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी का मैं रिएक्शन दूंगा इसको। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या आप लोगों की सरकार के समय इस पूरे प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं देखा समझा गया? क्या कोई प्रशासनिक चूक हुई जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? अब आपके लिए ये पॉलिटिकल पिच हो गई है? नहीं जी,
जो भी समझौते हुए थे वो बिल्कुल बाजार के हिसाब से या किसानों के अनुरूप किए गए थे। बीच में कुछ किसान बंधु असंतुष्ट थे, लेकिन सारा मामला सुलझा लिया गया था। पुनर्वास नीति बहुत अच्छी हुई थी। सिंचित और असिंचित का मुआवजा अलग अलग होता है, लेकिन सारे 27 गांव में सिंचित भूमि का रकबा के हिसाब से दिया गया था, और मकान के बदले मकान दिया गया, जमीन के बदले जमीन दी गई, और जो पैसे थे पूरे रुपए दिए गए सिंचित भूमि के रकबे के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। और 2018 के प्रारब्ध में भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने किसानों के बीच आकर कहा था कि जो आपकी लंबित मांगे हैं हम सरकार में आते ही केवल 1.5 महीने के अंदर उन मांगों को पूरा कर देंगे। तो साहब 1.5 माह गया, 1.5 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, किसानों के हितैषी बनने वाली ये सरकार किसानों के पीठ पर बैठकर उनके ऊपर कोड़े बरसा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बोल रहे थे कि जो हमने 6 मांगे पूरी कर दी, उसमें इतने सारे हिडन एजेंडा है कि किसान बंधु से समझ नहीं पा रहे हैं, और किसान लोग बहुत उद्वेलित है। किसानों के नाम पर कहने वाले कि हम किसानों की सरकार है, किसान के बेटे हैं, और किसानों के साथ छल कर रहे हैं। एक मिनट में नितिन भाई रोक रहा हूँ आपको। नितिन भाई आपने आपने अपनी बात मजबूती से रखी। नितिन भाई आपने अपनी बात मजबूती से रख दीजिए। राजीव चक्रवर्ती जी जो आप कह रहे हैं, तो क्या 4 गुना मुआवजे की बात उस समय आपकी सरकार के समक्ष रखी गई थी किसानों की तरफ से? किसान नेता भी यहाँ बैठे हैं, पूछ लूंगा मैं, आऊंगा आप तेज राम जी आपके पास आऊंगा, पहले राजीव हमारे पास रखी गई थी। आपने क्या किया? हमारे सामने रखी गई थी। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि भूपेश बघेल जी, सिंहदेव जी, अरे आप वहां मत जाइए ना राजीव जी, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ राजीव जी, राजीव जी मुद्दे को समझिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज जो मांगे थी तेज राम जी, मैं समझ गया आपकी बात, आज जो मांगे आपकी थी क्या उसी सरकार से भी थी जी जी, या फिर समय के साथ आपकी मांगे बदल गई? जी बिल्कुल नहीं, देखिए हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए ना, किसानों को तो सुनिए। पर जो मैं बता रहा हूँ विजय जी, 2012 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में जो सरकार ने स्वयं ही सशक्त कमेटी का निर्माण किया था, सशक्त कमेटी की 12वीं बैठक में यह बात हुई थी कि किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। हुई थी बात, क्या उचित पुनर्वास की भी बात हुई थी? अधिसूचित जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, उसको खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, उनसे पुनर्वास की बात हुई थी। प्रत्येक जो वयस्क युवा बेरोजगार है, 18 वर्ष से जिनकी उम्र हो चुकी है, उन सारे लोगों को विकसित भूखंड व्यावसायिक परिसर दिया जाना है। राजीव चक्रवर्ती जी, ये तो आप लोगों के समय का मसला बता रहे हैं। दिया जाना है, अगर किसान नेता सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मंच पर ठग बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तेज राम जी रुक जाइए, तेज राम जी आदरणीय किसानों को रुक जाइए, आपकी बात हो गई है। उन्हीं की वजह से आज किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, आपकी बात सुन ली, एक मंच दिया किसानों की तरफ से आपने बात रखी। मैं आऊंगा बंसाली साहब आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी यहाँ वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यही मांगे हमारी उस समय आपकी सरकार से भी थी, और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की, अभी वो पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री जो थे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उनको ठीक से ब्रीफ नहीं कर पाए किसान? या फिर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था आपकी सरकार का नवा रायपुर, वो कहीं ना कहीं गले की फांस अब कांग्रेस की बन गया है जी? नहीं साहब, पूरी बातें स्पष्ट थी, और बाद में जो आंदोलन हुआ था उमाठे जी के साथ, और ये तय हुआ था कि ये पुनर्वास नीति करेंगे, नौकरी दी जाएगी, और उसके बाद जब सरकार बदल गई तो ये नई सरकार का उद्देश्य था कि हम करेंगे, तो ये नई सरकार को करना चाहिए था। हम किसानों के बातों से सहमत थे, उसके बाद अरे साहब आचार संहिता लग गई 2018 के बाद, आचार संहिता लग गई, मामला और किसानों की बात सुनिए। राजीव जी ये बात किसी और एंकर से कहते हैं आप, राजीव जी ये बात किसी और एंकर से कहते हैं आप जो रायपुर ना रहा हो। ये मैं नितिन भंसाली जी, नहीं इन्होंने सही कहा विजय जी, आप काफी वरिष्ठ एंकर रहे, हमारे अच्छे मित्र हैं नॉन पॉलिटिकल रूप से, आप ज्यादा अच्छे से स्थितियों को जानते हैं। 3 चुनाव निकले, 3 चुनाव
चुनाव निकले। राजीव जी बात सुनिए, आपके पास आ जाऊंगा, लंबा समय है हमारे पास। पत्थर रखा गया था राजीव जी, मैं रायपुर का राजीव जी, डिबेट को डिबेट रहने दीजिए, ये बात रखने का मंच है सर। फिर उठा के दूसरी जगह पे नया रायपुर का निर्माण शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नितिन भंसाली जी, एक बड़ा मौका है आपके पास, राजनीतिक रूप से एक वाकई एक बड़ा मंच मिलेगा आपको, किसान के हितैषी हो जाएंगे आप। मैं कोई आपको पॉलिटिकल आइडिया नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां से मुझे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह से किसान हितैषी सरकार लगातार बनती जा रही है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री जी हर किसान का दर्द समझते हैं और यही कारण है कि लगातार किसानों से बातचीत हो रही है, लगातार उनके हर दुख दर्द को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तीन बार बुलाया, दो बार ये लोग आए नहीं, एक बार सीधे दिल्ली चले गए, अपनी मांगों को इन्होंने रखा, छह मांगे आप लोगों ने मान ली, छह मांगे तो पिछली बार मानी भी नहीं गई थी। तेज राम जी आप भी सुनिएगा, मैं जवाब लूंगा इस पर आपसे। सवाल ये है कि एक बड़ा तबका जो है उस इलाके का आपका हितैषी बन सकता है, आपका वोट बैंक बढ़ सकता है, अगर इस पर मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, लेकिन इनको नाराज करने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ये लोग आपके लिए भी एक वोटर के रूप पर घातक हो सकते हैं। तो क्या जो दिल्ली में हुआ उसे घटने से रोका जा सकता है नवा रायपुर में? हम वोट की राजनीति नहीं करते। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं किसान पुत्र है इस प्रदेश में, देखिए किसानों के लिए मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं, आप रायपुर में रहे हैं, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को जानते हैं। अरे शांत रहो भाई, बहुत जोर से बोलते हो आप, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को भी सुन लो थोड़ा सा। ये सब कुछ है, ये अभी कह रहे थे कि मैंने हमने आचार संहिता लग गई, भाई तीन बार आचार संहिता लगी, 2003 से 2018 तक इनकी सरकार रही, क्यों किसानों की सुध नहीं ली इन्होंने, क्यों नहीं ली? अभी हम जब इनके हित में बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके चैनल के स्टूडियो में बैठ कर भी ये विद्रोही जी को और विद्रोही कर रहे हैं, जबकि विद्रोही जी भी ये जान रहे हैं कि हम इनके पक्ष में हैं, इनके फेवर में काम कर रहे हैं, किसानों की सरकार है भाई, आज इनके आशीर्वाद से ही हम सत्ता में हैं, हम कैसे किसानों को नाराज करें? तेज राम जी, हम नाराज कर ही नहीं। चलिए मैं रोक रहा हूं, मैं राजीव भाई आपके पास आऊंगा। तेज राम जी, कुछ बातों पर तेज राम जी हो सकता है, तेज राम जी लेकिन जल्दी इसका भाई, तेज राम जी इस सरकार ने आपकी कुछ मांगे मानी है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो कुछ कानूनी पेच है। आपको नहीं लगता कि ये वो समय नहीं है जिस पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए? आपको लग रहा है कि ये आंदोलन, ये प्रेशर ही सरकार से ये काम करवाएगा, या फिर सरकार वाकई आपकी बात सुन रही है, समझ रही है? देखिए, हम वहां पे एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं, और ये आंदोलन चल ही रही है, और सरकार की तरफ से जो सर्वे का कार्य जो है वो भी चल रहा है, उसके सर्वे कार्यों के ऊपर भी हम कोई आपत्ति दे तो सर प्रेशर हो जाएगा ना सर, उनको रोक रहे हैं। तेज राम जी, ये तो प्रेशर हो जाएगा किसानों का सरकार के ऊपर। यही बात बोल रहे हैं सरकार के साथ बातचीत के दौर में। देखिए, ये कोई प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि 2013 में जो आदेश हुआ था, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक होके आदेश हुआ था, वो लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ, और उस परिस्थिति में किसान, देखिए विजय जी, किसान जले हुए हैं, भुने हुए हैं, वो पीड़ित हैं। उनको, हमको यही लग रहा है कि हम घर में बैठे रहने से अच्छा है कि हम यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं और सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत इसीलिए कर रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। हम ये भी चाहते हैं कि तो बातचीत से समाधान निकलता तो आपको राकेश टिकैत के पास जाने की क्या जरूरत थी? सरकारों ने किसानों को आदरणीय तेज राम जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, जब सरकार ने आपको बुलाया तब आप सीधे दिल्ली चले गए। नहीं नहीं, देखिए सरकार के साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं, वो तो देखिए राष्ट्रीय किसान, राष्ट्रीय स्तर पर किसान नेताओं से। सर अभी अभी बने हैं सर, बहुत बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ, राष्ट्रीय किसान नेता बने हुए हैं, आपकी सरकार तो आपके समक्ष थी ना। नहीं, आंदोलन जो हुआ अभी, मैं आपसे तेज राम जी स्पष्ट बताइए, तेज राम जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा था कि दिल्ली की तरह विद्रोह बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ, राकेश टिकैत से जुड़कर, किसान नेता से जुड़कर? वहां जाने का पर्पस समझ नहीं आया। हम यही चाह रहे हैं कि एक सबका
सबका एक सौहार्दपूर्ण बैठक से सबके तरफ से चर्चा होने से ये सार्थक दिशा में ये आंदोलन जाए, इसका एक सार्थक हल निकले, हम यही चाह रहे हैं। और इसके लिए हम किसी से भी बातचीत करने के लिए, जो पहल करने के लिए सारे चीजों को हम ले सकते हैं। विजय जी, आंदोलन जब होता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों की तरफ खड़े रहती दिल्ली मेहरौली बॉर्डर पर, और अगर आंदोलन रायपुर के किसान करे तो वो अपने प्रोपोगंडा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाने के लिए क्यों नहीं जा सकते दिल्ली? और ये सरकार फुटबॉल की तरह खेलती रही किसानों के साथ। रविंद्र चौबे जी ने कहा कि आवास का मामला अकबर जी के पास जाइए, अकबर जी ने कहा किसान से रिलेटेड है, चौबे जी के पास जाइए। इस तरह से ये सरकार का मुखौटा खुल चुका है कि किसान हितैषी सरकार है। ये सरकार शुरू से ही गंभीर नहीं है। सरकार अरे चक्रवर्ती जी, 15 साल आप शासन में थे, आपने इनकी समस्याओं के लिए क्या किया, इसका जवाब दीजिए। सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। साल ये क्या ऑडिट तक नहीं हुआ था, जिसकी हमारी सरकार बनने के बाद 2019 में हमने इसकी ऑडिट के आदेश दिए। तकनीकी बात मानकर इन मामलों को भी इन्होंने फेंक दिया है, तो किसानों का हितैषी होने का प्रोपोगंडा छोड़ दीजिए। आपका झूठ का पर्दाफाश, झूठ आपका मुखौटा, देखिए ये कोई न्यायालय नहीं है। राजीव चक्रवर्ती जी, आप और हम न्यायालय में नहीं बैठे हैं। ये न्यायालय नहीं है। यहाँ कौन न्याय करेगा? ये जनप्रतिनिधि है, जनता न्याय करेगी। राजीव गांधी की एक लास्ट रिएक्शन आपका 20 सेकंड का, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आने वाले वक्त में इस आंदोलन को रोक दिया जाएगा, इस आंदोलन को हटाया जाएगा, या फिर जो किसानों की मांगे हैं हर एक पहलू को बारीकी से समझते हुए पूरा किया जाएगा? बारीकी से समझा ही जा रहा है पंड्या जी। देखिए 59 दिन, जैसा कि आपने बताया 59 दिन हो गए। ये मुझे बता दें जो किसान नेता मेरे भाई जो मेरे साथ बैठे हैं विद्रोही जी, कि ऐसा कब हुआ है कि उनसे संपर्क में नहीं रहा गया है? हमारे द्वारा लगातार संवाद जारी है, लगातार इन चीजों पर मॉनिटरिंग हो रही है। जो समिति बनाई गई है मंत्रिमंडल की, वो समिति लगातार मुख्यमंत्री जी को इसके इन बातचीतों के ब्यौरे से भी अवगत करा रही है। और जब हम 6 मांगों को 8 में से पूरा कर सकते और चैलेंज कर रहे कि 3 महीनों के अंदर हमने जो आदेश जारी किए उसका पालन होगा, हमने तो देर तक के पट्टे वितरण की इन 11 गांवों में। चलिए डिबेट समेटने का समय हो गया। तेज राम जी और जो किसान हमें देख रहे हैं नवा रायपुर के, रायपुर के, वो भी ये समझ जाए सर, आप दोनों को रोक रहा हूं। समय डिबेट का खत्म हो चुका है सर, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से बंसाली साहब कह रहे हैं, राजीव जी आपको भी थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, आपकी पार्टी को भी, क्योंकि अगर 3 महीने की बात कही जा रही कि हमने जो आदेश दिए 3 महीने के अंदर उन आदेशों के मुताबिक काम होगा, 6 वादे पूरे कर चुके हैं, मतलब उनकी मांगे मान चुके हैं 6 वादों की, 2 और बाकी हैं, इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तेज राम जी, किसानों को भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए। आप किसान, आप सरकार को समय दीजिए, समय होने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर आप आंदोलन की राह पकड़िए। बेजा भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को परेशान करना, किसानों का समय बर्बाद करना जो अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से बिताया जा सकता है, शाम को चाय पी के उनके साथ गपशप करके, जहाँ गांव में आराम से बैठ के थोड़ा गर्मी का समय आ रहा है ताशवाश खेलेंगे, कहाँ उन्हें यहाँ आंदोलन में लटकाए रखे हो भाई? सवाल यही कि आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आप आंदोलन कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप तक तीनों तक मेरी बात समझ गई होगी, पहुंच गई होगी, जनता भी देख रही है। और इस मुद्दे को, क्योंकि ये पिछली सरकार का मुद्दा था, इस सरकार के पास आया, इस सरकार ने कहा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, कुछ न्यायालयिक फॉल्ट हैं और कुछ कानूनी पेच हैं, जिनको समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। देखते हैं समय के साथ कितना सरकार आगे बढ़ती है और किसानों के लिए क्या करती है। लगातार नजर बनी रहेगी। नमस्कार।